यमुनानगर में आज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल व गैस के रेट को लेकर कांग्रेस के विधायक जनता के साथ सड़कों पर उतरे। यहां पेट्रोल और डीजल को लेकर महिला विधायक रेणु बाला हाथ में गैस सिलेंडर लेकर आई, तो वहीं रदौर से विधायक बीएल सैनी रेहड़ा घोड़े पर सवार होकर सचिवालय में पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अगर सरकार ने बढ़ती कीमतों को कम नहीं किया तो वह विधानसभा में भी इसी प्रकार घोड़े रेहड़े पर सवार होकर जाएंगे। मैं डीसी साहब के पास जा रहा, ये जो रेट रूट बढ़े भी अगर कुछ हाथ में है तो कर ले। ये असल में आप इनको हथकंडे ना कहो, ये समय की जरूरत है। सही है, ये हथकंडे नहीं रहे, ये समय की मांग होगी। अजी गैस का तो सीधा प्रभाव गरीब लोगों पे तो पड़ा ही है। जिनको ये कह रहे थे कि हमने सिलेंडर बांट दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो अब सिलेंडर तो बांट दिए, उनको भरेगा कौन? अब ये बताओ, 1000 रुपये का लगभग सिलेंडर होने लग रहा है, आज भी रेट बढ़ गए 25 रुपये, तो कहाँ से गरीब आदमी खरीदेगा? उसको तो दोबारा फिर वही उपलों पे, लकड़ी पे, उससे रोटियां बनानी पड़ेंगी। हाँ, ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो देखो। रेड़े से अंदर जाओगे? रेड़े से अंदर जाऊंगा भाई। इन झूठों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसने क्या क्या उज्ज्वला योजना के नाम पर देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाया। फ्री सिलेंडर दे रहे हो, जब 350 का सिलेंडर था इन्हें 700 करा। अरे भाई, ये तो बेईमान लोग हैं, सब्सिडी तारे खाते में आवेगी। बड़े बड़े प्रोग्राम करे, बड़े बड़े बैनर लाके सब्सिडी दी, और जब सब्सिडी खत्म करी चोर तरफ चुपचाप सब्सिडी खत्म कर दी। रोज गैस का सिलेंडर बढ़ा रहा है, उज्ज्वला का सिलेंडर बाहर पड़े हैं। इस झूठे के खिलाफ कर रहे हैं रोटी के खावा लोग। पहले नोटबंदी में रोजगार खत्म, एकदम लॉकडाउन ला दिए, लोग सड़कों पर ला दिए, आए दिन ताना शाह रोज डीजल के पेट्रोल के गैस के दाम बढ़ा रहा है। गरीब आदमियों को रोटी खाने जो गैस के रेट बढ़ाए बहुत ज्यादा असर है भाई। पहले तो इसने क्या करा कि सब्सिडी दूंगा, जब भी लोगों के लिए मुश्किल है, किसी में धार मांग कर ले, महीने बाद बैंक में होते, इब कहां से ले 800 रुपए? एक अगर कुंबा है तो सिलेंडर पूरा महीना चलता भी नहीं। लकड़ी लानी नहीं, इब कहा इसका सप्पा करा क्या जावा, ना लकड़ी रही ना गैस रही, घर के छोटे ना घाट के छोटे। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।